गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये शूट सर हम लोगों ने मुंबई में किया और बाकी ब्रीफिंग तो डायरेक्टर साहब बेटर दे पाएंगे, लेकिन मेरी सिर्फ यही है कि हमने मुंबई में शूट किया और ये जो स्क्रिप्ट जब इन्होंने सुनाई थी तो वो स्क्रिप्ट मेरे दिल के करीब थी, तो तभी मैंने सुनते ही एक इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू स्पीक अबाउट। एक दिन का शूट था बॉम्बे में, मड आइलैंड में हमने शूट किया और बहुत स्मूथ हुआ है, सच कुछ हर्डल्स और चीज़ें नहीं हुई। बाकी फिल्म बड़ी इमोशनल है एंड बॉम्बे से मुंबई का जो सफ़र रहा है शहर का, एक चीज़ बहुत कॉमन रही है कि आज भी दे आर मैनी गर्ल्स और सिंगल मदर्स हु आर स्टिल इन यू नो वर्किंग इन बार्स इन डांस बार विच इज़ देयर द ब्रेड एंड बटर। एक सिचुएशन आती है, एक इवेंट ऐसा होता है जब आप ना चाहते हुए भी कुछ भी करते हैं, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं वो बुरी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट एक सिचुएशन आता है जब आप थक हार के कुछ भी करने को रेडी हो। आप लोग एक साथ कई साल आप लोगों को बॉन्डिंग, आपको ऐसा सीन बताएं जिससे आप लोगों को बहुत मजा आया? बॉन्डिंग तो हमारा 3 साल पहले से था, जैसे मैं बताया हम फिल्म बनाने वाले थे द वॉलेट बट नहीं बन पाई, उसके बाद जब हम वापस मिले तो मुझे 3 साल बाद ऐसे नहीं लगा कि मैं इनसे फिर से मिल रहा हूँ, तो वो बॉन्डिंग ऐसा नहीं था, हम कनेक्शन में भी नहीं थे उतना, बट जब वापस आए तो वी मेट एंड वी जस्ट एक बात छिड़ी और आज आप लोग इधर हो हम लोग इधर हैं, तो बॉन्डिंग तो इतना अच्छा ही है कि लाइक वी आर सिटिंग हियर टॉकिंग टू मीडिया एंड एक प्रोजेक्ट बना इतना खूबसूरत जो अभी स्क्रीनिंग करते वक्त मुझे दिखा लोगों। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पिक्चर तो बहुत सारी आते हैं, बच्चे खासतौर पर बच्चों को बहुत अच्छी कहानी आती है, मुंबई जो है क्यों लोग देख रहे हैं, क्या खास स्पेशल जो लोग देखने आए? सर मुझे एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ऑडियंस का तो नहीं पता कि वो क्यों देखने आएगी, बट मेरे को एक बहुत पुरानी कहावत पता है जो मेरे मॉम से मैं सुनती थी कि जो आप करते हो या जो आप खाते हो जो पहनते हो जो पीते हो वो हम लाइक हम सबको वही पसंद होता है कि मॉरो को भी वही चीज़ सर्व करें, तो मुझे ये फिल्म और ये कंसेप्ट और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब का, तो मैंने इसलिए इसको बनाई और इस कहानी से थोड़ी छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है, तो इस वजह से भी मैंने इसका इनिशिएट किया। इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी एक्चुअली, इन 1987 आई वॉच्ड द मूवी विथ माई मॉम, तो वो माँ बेटी उस फिल्म का नाम था और वो स्टोरी भी काफ़ी लाइक मुझे इम्प्रेस कर गई थी और मैं अपने मॉम के बहुत करीब हूँ, तो मुझे जब ये स्टोरी सुनाई गई, जब मुझे डायरेक्टर साहब ने ये स्टोरी सुनाई तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने बोला ये बननी चाहिए और ये लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि ये आज का स्ट्रगल है। आप हम कहते हैं ना मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास होता है, जो भी परिस्थिति आती है जो भी सिचुएशंस आते हैं हम उसमें एक्ट करते हैं, इट्स नॉट कि हम एक्ट करते हैं सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो कोई भी परिस्थितियाँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डांस करना या खाना बनाना या वेटरिंग का काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता, वो मेरे थॉट में था, मैंने एक इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए। आप बताओ कब ये सोचा है मूवी बनाना चाहिए, लोगों को ऑडियंस के सामने अपने अंदर जो है काफ़ी दिन से सोच के रखे थे लोगों को दिखाना चाहिए, कब सोचा? मैं तो मूवीज के बाद में आता हूँ, मेरा रोल दो टाइप से होता है, म्यूजिक बनाना। एक वो म्यूजिक आप उनके साथ जब जुड़े कैसे लगा कुछ? जब कंचन के साथ हमने स्टार्ट किया था मैं ऑलरेडी 2 गाने पहले बना चुकी और वो 2 गाने शूट होने वाले थे जो शूट नहीं हुए, लेकिन ये गाना आया फिर जो ऑलरेडी मूवी बनी हुई थी इसके अंदर गया और इस गाने को वापस शूट भी किया जिसमें मैं भी हूँ और वीडियो आएगा जिसमें। तो जब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था समझ में, मुझे ब्रीफ किया था कंचन ने, मुझे जो ब्रीफ दिया था तो अगेन जैसे मैंने वहाँ पे भी बोली थी ब्रीफ काफ़ी था इस गाने को बाहर लाने के लिए, मुझे वीडियो इसकी नीड ही नहीं लगी, बन गया गाना और आज मैं देख लिया कि गाना तो फर्स्ट क्रेडिट मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देता हूँ जिनका एक थॉट है, क्योंकि म्यूज़िक दो टाइप से बनता है, एक म्यूजिशियन जो खुद से बनाता है और एक जब म्यूज़िक मूवी के लिए बनाता है, दोनों में डिफरेंस होता है, एक एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ। आप गाने भी बहुत अच्छे गाते हो सुन रहा हूँ, एक लाइन सुना दो आपने भाई गाने में।
भाई बच्ची से पूछना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छे किरदार निभाया, आपने कितना मजा आया, कैसे आपको जब पिक्चर मिला तो आपको कितना खुशी हुआ? सिर पर डांट पड़ा आपको, आपने अच्छे काम किया कि नहीं हुआ तो डांट पड़ा आपको सिर, क्योंकि वो अच्छा काम ही करती है। चलो सर, वन शॉट आर्टिस्ट, आप कुछ बताना चाहते सर आप पिक्चर के बारे में? आप ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी टाइम पहले सौमित्र ने जब मेरे से शेयर की थी तो क्लिक तो तभी कर गई थी, एंड शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सौमित्र के साथ मैंने नहीं किया होगा। और ये जब स्टोरी क्लिक हुई एंड आई सेड दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो पहले इनके दिमाग में ये था सोचेंगे कि आपको कहाँ रखेंगे, सोचेंगे, बट देन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो मैं फिट हो ही जाता हूँ सौमित्र की कहानी में और प्रोजेक्ट में, एंड इट्स अ हार्ट टचिंग स्टोरी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। और जो मैसेज आगे बताया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू एंड इसके म्यूजिक के थ्रू भी, आई एम श्योर इट विल रीच, बिकॉज लेंथ जो लोगों का टेंशन स्पैन काफ़ी कम है और बहुत अच्छी लेंथ रखी है, और म्यूजिक के थ्रू भी काफ़ी कनेक्ट होएगा लोगों से, तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम। मैम आपसे पूछना चाहता है, ऐसे और तो बहुत सारे था लेकिन बहुत बेसिक टॉपिक क्यों आपने लिया? सर मैंने वही तो बोला आपको अभी, जस्ट मैंने वही बात बोली कि आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माय मॉम, सो दैट इज़ व्हाई आई ऑफ द स्टोरी। मैं जब अपने माँ से इतना प्यार करती हूँ और जब मैंने ये कहानी सुनी इस तरीके की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला कि काम करना चाहिए। मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो मुझे लगता है कि जो मेरे को पसंद है मैं उस पर काम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मैंने और ऑप्शन दिया ही नहीं, एक ऑप्शन था जो मैं वो पापा वाला और मैं वो फिल्म देख के बहुत रोई भी थी, उसका वो फिल्म का नाम वॉलेट है और नसीर साहब ने किया है, तो वो फिल्म देख के मैं डायरेक्टर साहब की फैन भी बन गई थी। आप पूछना सर, आपने इतनी सारी मूवी डायरेक्ट की हो, इस मूवी में आपको कितना मजा आया? देखिए हालांकि मैं अभी तक 10 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, 10 फिल्में बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा, तो मैं अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं करता, मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट फर्स्ट। बॉम्बे की अपनी खासियत है, वॉलेट की अपनी खासियत है, और उसमें हर एक स्क्रिप्ट अपना एक किरदार चुनती है, हम उसे विश लिस्ट में डालते हैं। अब हार्दिका की खोज हमने नहीं करी थी, ये कपिल ने करी थी, ये कासिम है हमारे कास्टिंग, तो हर एक प्रोजेक्ट का ना एक अपना होता है, तो अब मज़ा तो हर प्रोजेक्ट में आता है। जो सबसे खराब प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो आपके अकल खाते में आप किसी के तरक्की में जाते हैं। आप किसी हलवाई को ये नहीं कह सकते ना कि आपको आपकी फेवरेट मिठाई आपकी कौन सी है। अच्छा एक बताया सर, आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इस सीन में कोई आपने ऐसा सीन किया हो यादगार बना हो, इस सीन आपसे डायरेक्टर सर जाना चाहता हूँ? एक ही सीन है जब आशुम जब ये आते हैं और खूब सारी अच्छी बातें करते हैं आशुमा से और उस दौरान भी जो माँ है, जैसा कि है ना, पहले वो उसको डांट देती है बेटी को, फिर इनसे झगड़ा होता है, लेकिन उनके बैक एंड पे सिर्फ वो सिमी है एंड शी जस्ट गो एंड वो एक जो सेफ शेल्फ है वो जो मिलती है इनसे, वो एक ऐसा सीन है जो सिर्फ वही एक दुनिया है, कोई हरीश कोई नहीं, सिर्फ माँ बेटी। मैम आपसे जानना चाहते हैं कब रिलीज होगा, ओटीटी पे होगा या सिनेमा हॉल में होगा? डेफिनेटली ओटीटी पे ही होगा, और अभी तो देखिए आज ये लोगों तक पहुंची है तो अब उसके मुताबिक ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं कुछ कम मतलब कंफर्म नहीं बता सकती कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, डेफिनेटली यस आएगा, जैसा आएगा आप लोग का मैसेज आएगा सर, देख लिया हम, आप लोग वापस से इन्वाइटेड भी रहोगे उस टाइम पे और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे सक्सेस पार्टी की। तब जाना चाहते हैं मैम, इसमें सामा सिकंदर जी है, मच्छी जी, सामा जी आज दिखने रही थी। हाँ वो मैंने बोला सर, अभी आप लोग शायद नहीं थे, बाहर थे, एक्चुअली शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ इन दुबई राइट नाउ, तो इस वजह से शायद कोई मेडिकल इश्यूज वगैरह है उनके,
हमें भी बहुत अफसोस है. आई एम फीलिंग रियली सैड बिकॉज ये मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आए, क्योंकि जब हमसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी सेट पे तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया था कि पहली प्रोड्यूसर है और लेडी प्रोड्यूसर है तो एक फुल सपोर्ट रहेगा. तो मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था बट चीज़ें कुछ नहीं बन पाई. कभी कभी हो जाता है सर, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती. वुमन पावर बहुत बॉलीवुड में आ रही, फिर आप भी उभरती हुई आ रहे हैं, लेडी बॉस काफ़ी हार्ड टच लग रहा है. इसमें आपने कितना मेहनत किया, कौन सी सीन आपको अच्छा लगा, डायरेक्टर साहब को सीन अच्छा लगा, आपको नहीं, मुझे तो मेरी सारी फिल्म अच्छी लगी. इस फिल्म का एक सीन आपने मेरे से पूछते रहिए, आप मैं बोलती रहूँगी. अच्छा, मुझे सबसे प्यारा सीन जो था एक्चुअली वो शमा जी का ही सीन था जो बहुत प्यारा लगा. और उसमें सर भी थे, उसमें जब वो लोगों के आपस में कन्वर्सेशन होते हैं और जब वो एकदम पीक लेवल पे होते हैं झगड़े के, वो सीन मेरे लिए बहुत बहुत करीबी है. मैं जानना था, मैं शॉर्ट मूवी है उसमें दो दो गाना है, शॉर्ट मूवी में दो दो गाना बहुत ही कम होते हैं, तो आप सर मैं वो भी क्लियर कर दूँ, वो हम लोगों ने भी सरप्राइज रखा था, उसका टीजर में भी हम आपको सुनाएंगे. गाना एक ही है बट हम लोगों ने प्रमोशनल उस गाने का रिक्रिएट किया है, तो एक गाना सैड वर्जन में हम फिल्म में यूज़ कर रहे हैं और एक गाना जो है वो हैपनिंग वर्जन में हम उसको प्रमोट करेंगे. मतलब जो मेरी म्यूजिक का कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएंट रेज इज़ माई कंपनी विच इज़ अ फिल्म प्रोडक्शन एज वेल एज अ म्यूजिक प्रोडक्शन ऑल्सो. सो म्यूजिक में हम ये गाना हैपनिंग मोड में रिलीज कर रहे हैं और फिल्म में हम ये गाना सैड मोड में रिलीज कर रहे हैं. फीचरिंग प्रतीक गांधी, फीचरिंग प्रतीक गांधी, यस माय डार्लिंग फ्रेंड एंड माय मोटिव बूस्टर. कभी के माने साथ में गाओ, साथ में गा लो आप भी. हम भी गए यार, गाओ ना भाई. गो 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 क्या बात है. जय गुना वे गुना बचपन से बहुत क्लियर हूँ बाकी. मैं मुझे पता था मैं दूसरे नंबर पे ही आऊँगा, मुझे पता था कि मैं खुराफाती हूँ, कुछ खुराफात करूँगा. और दूसरी चीज़, बहुत बेहतरीन कलाकार ऑलरेडी हैं, डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोचूँ इसी में कुछ देखते ना. आप ऑफर करेंगे मुझे, मैं ना नहीं करूँगा. और उसका नाम रुपहला है. तो रुपहले का अपने आप में एक मतलब होता है सिल्वर स्क्रीन. तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया उस फिल्म का और जल्दी हम सेकंड शेड्यूल पे जाएंगे और अगेन हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर. अब मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, कहने का मतलब ये है. अच्छा, मैं तो सर लास्ट आपसे सवाल है कि 17 मिनट की मूवी है, मैंने सुना हूँ 17 मिनट की मूवी में ये गाने भी कितना मिनट के और कैसे आइडिया आया गाना भी बोला. बेसिकली दो सीक्वेंस है फिल्म में जहाँ पे माँ अपनी बेटी के साथ डांस कर रही है, वो एक माँ बेटी का एक सीन है. और वहीं एक माँ जो तो आप प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म कर, तो वो जो सीन है आप अगर देखेंगे गौर से तो वो आप देखेंगे कि वो माँ अनकम्फर्टेबल है, वो मुस्कुरा रही है बट जहन में उसकी ये है कि दिस इज़ नॉट शी वांट बट शी इज़ डूइंग टू सर्वाइव इन दिस सिटी और एनी सिटी और टू डू यू नो हैव ब्रेड एंड बटर फॉर हर डॉटर एंड सन. तो ये तो मैंने दिमाग में सोचा था, तब तो दिमाग में मैंने गाना नहीं सोचा, गाना उनका है. मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा जाना है, वो ऐसे ऐसे मुझे लेके गए. तो मैं ऑफकोर्स फिल्म अच्छी बनी मैं उसका गेट मैं लूँगा, फिल्म अच्छी बनवाई है उनका गेट मैं वो दूँगा, और उस पर जो अच्छी सी गार्निशिंग हुई है वो उनका गेट मिलेगा. बाकी जो कलाकार हैं अब सिर्फ डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती, इसलिए मैंने बोला आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप बट शी इज़ द ओनर ऑफ द शिप. और ये बाकी हमारे सारे यू नो हर एक डिपार्टमेंट के लोग सारे साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं, हम क्रू
क्रूज, एक क्रूज पे है। देखा जाए तो मैम आप लोगों को जोड़ी ने 17 मिनट में बहुत कुछ करेंगे, बहुत तारीफ करें जिसने आपने वीडियो देखा है कि नया बॉलीवुड नया कुछ सीखने को मिले, नया कुछ देखने को, नया नया टैलेंट आ रहा है मार्केट में, आपने कुछ नया टैलेंट कुछ करने का दिखा, जुनून आप लोगों का जज्बा जुनून कहाँ से आ रहा है सर? यही आता है मतलब इसके सिवा कुछ आता ही नहीं, बाकी तो यही मोटिवेशनल है। इसे बोलते हैं ना हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरी माँ का हाथ है, उनकी माँ का हाथ है, उनका हाथ है, बच्ची का हाथ है, शमा जी हैं, बच्ची की मम्मी जी का हाथ है। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी लेडीज़ हैं, जेंट्स कम है, तो ये मोटिवेशन वहीं से मिलता है। मैम आपको मैं जाना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रही हो, आपने मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ सर? हम तो बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं। और कैसे कैसे आपको पहली बार कैसे मिले? पहली बार सर एक चाय शॉप पर मिले, एंड अगेन द वॉलेट का जो जिक्र हुआ था और इन्होंने फिल्म बनाई थी और मैं नसीर जी का मुरीद हूँ और इन्होंने कहा था कि एक फिल्म बनाई है नसीर सर के साथ, मैंने कहा कि मेरे को भी उसका हिस्सा होना है, तो उन्होंने कहा फिल्म शूट होगी, मैंने कहा फिल्म रीशूट करो, मेरे रीशूट नहीं होती, मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ, मैं सिंगर सॉन्ग राइटर रहा था, तो मैंने कहा मैं गाना बना के दे रहा हूँ, मैंने गाना बना के, इन्होंने कहा गाने की जगह नहीं है, मैंने कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम, आई थिंक यू शुडंट हैव टोल्ड मी, बस ऐसे जुड़ गए गाना बना के बड़ा सॉन्ग हो गया वो थीम जैसे आई थिंक सेम जैसे यहाँ थीम सॉन्ग हो। मैं आखिर में जाना चाहता हूँ आप लोग जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं अभी तक मीडिया आया हुआ है उस मीडिया के लिए जानना बताना चाहते हैं कि आपको कब रिलीज हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, वो मीटिंग में हो रहा है सर? अभी अभी क्या है ना, अभी लड़की को देखें सर, अभी लड़की पसंद की हमने। अच्छा लड़की पसंद की, अभी डेट वेट निकालेंगे आराम से मिल जाएगा आपको मिलेगा, बट हालांकि क्या है कि या इन टर्म्स हाँ अभी तो सिर्फ लड़की देखे अभी रोका भी नहीं हुआ है, कार्ड मिलेगा सब कुछ होगा, अभी मुझे बताया गया शादी होनी है, बहुत सारे ऑडियंस एक्साइटमेंट है नहीं नहीं बहुत ही जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द सर आपको बताएंगे, हम देंगे हम बात चल रही है और ये एक सरप्राइज रहेगा ही ऑफकोर्स, तो मैं वो सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहता। हाँ आखिरी में आपने कास्टिंग डायरेक्टर साहब आपने खास के मूवी के बच्ची में भी समा सिकंदर भी किए, मैं उनके साथ जुड़े, आपको कैसा लगा उनके साथ जुड़ करके? बेसिकली मैं सर को तभी से जानता हूँ जो द वॉलेट फिल्म है, मैं तभी से जानता हूँ, मैंने सर के साथ काफ़ी काम किया है, एज एन एडी भी काम किया था और काफ़ी अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ, सो वो बड़ी कहानी है लंबी कहानी है। तो पिछले 2 साल से मैं कास्टिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं घर पर था, सर ने बोला कि ये स्टोरी है, मैंने पढ़ा तो एक कास्टिंग वाले का और लाइक डायरेक्टर का ही अलग विजन होता है, तो मैंने भी सोचा कि लाइक मैं किसको कास्ट कर सकता हूँ, मेरा मेन टारगेट था जो हार्दिका है उसको कास्ट करने का, क्योंकि बच्चों की कास्ट में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, या तो बहुत ईजी हो जाती है अगर ऐसी बच्ची मिल जाए, और कुछ बच्चे होते हैं लाइक वो उसको समझाना पड़ता है, उनको एक्ट कराना पड़ता है, तो मैंने 2 ऑप्शन दे के सर ने लॉक कर दिया। तो बेसिकली द वॉलेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सबके वॉलेट भरे। आखिर मैम नवरात्रि चल रहा है, आखिरी दिन है, आप एक मतलब नारी शक्ति हो, तो आखिर में क्या बोलना चाहते हैं नवरात्रि आपको पिक्चर भी बता आखिर में बोल के छोटे सर? आखिर में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी वन, नारी नहीं मतलब पुरुष भी, बस जैसे मैंने ड्रीम देखा वैसे सब लोग ड्रीम देखो और जो जिसको करना है वो अपने सपने को चेज करो और अपना काम करो और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करो, बस इतना ही है, वो नारी हो या पुरुष हो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, और शक्ति सबके अंदर बराबर ही है, कोई हमें ज़्यादा नहीं है, बस हम एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमें पहले दिन से बोल दिया जाता है कि बेचारी है, तो वो सुन सुन के हमारे अंदर एक आ जाता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा करना है, हमको ज़्यादा करना है, और आपको थोड़ा सा ओवर पैम्पर कर दिया जाता है बस, और कोई बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, बाकी शक्ति बराबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है।